हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गांव, वो भी एक साल बाद। अभी बजे हैं दिन के 12 और 12 बजे हम निकल गए हैं। वैसे रास्ता हमारा 1 घंटे का है, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है आज। यहाँ वायु को हमने दिए हैं फर्स्ट टाइम स्नैक्स, काफ़ी सॉफ्ट स्नैक्स थे ये और जो इजीली उसने खा लिया एज ए फिंगर फूड। और साथ में उसे हमने टेस्ट कराई फर्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद उसको इंगेज रखने के लिए कभी कभी ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि ट्रैवल में बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उसको काफ़ी बंद बंद लग रहा था गाड़ी में, तो हमने थोड़ी देर उसको बाहर उतारा। रोड भी खाली थी और उसको वायु को चाहिए था ओपन स्पेस, इसलिए थोड़ा टाइम इंजॉय करने के लिए, और हमने भी थोड़ी सी फ्रेश एयर ले ली और उसके बाद हम निकल गए। तो हम लोग पहुंच गए वायु के गांव और वायु आ रहा है यहाँ पे दूसरी बार, फर्स्ट टाइम पहले भी आया हुआ था। गांव नीचे वाला, यहाँ पे चल रही बकरियाँ और ये है पहाड़ पूरा, और यहाँ से हमें जाना है वो ऊपर, ऊपर जाना है हमें, पैदल जाएंगे हम। वैसे तो रास्ता अल्मोड़ा से 1 घंटे का है बट हम आराम आराम से 1.5 घंटे में पहुँचे और काफ़ी चेंजेस हो गए हैं गांव में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ डिटेल्ड एरिया, यहाँ का डिटेल्ड व्यू, व्यू कैसा है। व्हाट है ये ऊपर वाला और ये वाइट वाला? अच्छा हाँ, फिर हाथ पकड़ पकड़ के चलता है। नहीं चलेगा चलेगा, कितना बदमाश था। चल के जी, चलो नीचे चलो। ये क्या है, ये क्या है, ये फ्लाइंग किस कर है? कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? उधर पापा, ये है अपना कालू। कालू बोल रहा क्या लाए हो, बैग में जल्दी से दे दो खाने को। ये माल्टा ना, नींबू नींबू, ओ इतने सारे नींबू, वाह क्या ये लगी लाई। इतनी चढ़ाई के बाद अब हम पहुंच गए हैं। दादी हैं, धीरे धीरे आ रही हैं और हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे रखी लकड़ियाँ रात को आग जलाने के लिए। फाइनली हम पहुँच गए हैं और थोड़ी देर बाद चेंज करने के बाद दिखाते हैं आगे का। तो 1 साल आने के बाद यहाँ पे काफ़ी काम था, काफ़ी काम हो जाता है मतलब कि साफ़ सफाई का, वो करते करते हमको जो है शाम हो गई। और शाम को फिर जब गांव आए थे तो चूल्हे में खाना बनाना तो बनता ही है, बट उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा सा शूट ले लेती हूँ अपने एरिया का। तो यहाँ पिंक वाला एरिया जो है ये हमारा न्यू बनाया हुआ है और यहाँ ये दिल्ली से हमारा स्टार्ट होता है पुराना वाला मकान, जो पुराने गाँव में मकान हुआ करते थे पुराना वाला वो है। तो चूल्हे का जो भी हम मोस्टली हम गांव आते हैं तो चूल्हे में ही खाना बनाते हैं, अदरवाइज़ नीचे किचन में हम बनाते हैं जब भी हमें जल्दी में बनाना होता है। साफ़ सफाई का काम अभी भी बहुत पेंडिंग है, धीरे धीरे वो चल रहा है। मैं दिखाती हूँ चूल्हे पे हम क्या खाना बना रहे हैं। तो आज हमने खा लिया था नाइट का खाना, चूल्हे का खाना। फर्स्ट डे हम आए थे तो हमने सोचा चूल्हे में ही बना के हमें खाना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग की सनलाइट। गाय क्या बोलेगी? माँ, माँ बोलेगी गाय। पाई 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 थोड़ी बोलती है। आज था यहाँ पे उत्तराखंड में चूड़ पूजने का त्यौहार, जो हमने भी कर लिया इसलिए टीका वगैरह किया है। ये मैंने थोड़ी सी दाल और ये लगे हुए हैं धनिए,
जिसको हम डायरेक्ट निकालते हैं और सब्जी में डाल देते हैं। वायु ने अभी जस्ट नहा लिया है और हम बैठे हैं धूप में। ये बगल में लहसुन लगा हुआ है, लहसुन तोड़ा हुआ है। क्या लहसुन है ये? क्या शाम का व्यू जहाँ पे हल्का हल्का दिख रहे हैं हिमालय, और धूप भी अभी जाने वाली है। में खाने बनाने का प्लान कैंसिल हो गया है आज, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मशरूम, और मशरूम हम सोच रहे हैं गैस में ही बना ले। यहाँ पे लिटिल वायु सोया हुआ है अभी। ये है यहाँ पे नाइट का नज़ारा। ये माल्टे के पेड़ तो अभी भी शाइन मार रहे हैं, नींबू के पेड़, नींबू और माल्टे के पेड़ तो अभी भी शाइन मार रहे हैं। और यहाँ पे हमने जला रखी है आग। ओहो, कोयले बन गए हमारे, कोयले बन के भी रेडी हैं, और इसमें हो रहा है पानी गर्म। देखते हैं मशरूम कितना बना हुआ है अभी, देख लेते हैं क्या कंडीशन है मशरूम की। ये बन रहा है अपना टेस्टी सा मशरूम प्योर दही की कढ़ाई में। मशरूम बन गया है और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी सारा मॉर्निंग से लेके नाइट का रूटीन और अपना यहाँ पे बाकी का एरिया, गांव का एरिया। ये है हमारे बने हुए मशरूम जो कि काफ़ी डिलीशियस बने हुए हैं।